अगर आपके पास भी कोई पुराने जैसे तकिया के कवर, कुशन कवर या कोई फैब्रिक सूट पीस वगैरह पड़ा है ना, तो उससे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हम घर के लिए बना सकते हैं। तो वही आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तबीयत मेरी अब काफ़ी सही है तो मैंने क्या किया, सोचा कि कुछ स्टिचिंग का ही वीडियो बनाया जाए। सारे पुराने तकिए के गिलाफ कुछ फैब्रिक मिक्स एंड मैच करके मैंने निकाल लिए हैं और अब बनाने जा रही हूँ घर के लिए बहुत ही बढ़िया 3 ऐसी चीज़ें जो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और वो आपके बहुत काम भी आने वाली हैं। Hidden like a ton of bricks, doesn't matter weak or strong. जब रूम के छोटे छोटे सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल कम पड़ जाए तो बनाइए ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर, जिसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ पुराने पिलो कवर्स का। ये मैंने 2-3 कलर्स में ले लिए हैं और इनसे मैं बनाऊंगी सोफा का एक हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। आप उसे बेड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बेड के साइड में भी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बेस बनाना है और ये कितना लंबा चौड़ा बनेगा वो बताती हूँ। तो जो प्रिंटेड वाला पिलो कवर था उसको मैंने खोल लिया है और सिलकर मैंने एक बेस प्रिपेयर किया। अब इस बेस के ऊपर मैं लगाऊंगी बुकरम या पेस्टिंग, जो भी आपके पास हो। मैं पेस्टिंग का यूज कर रही हूं और इसको मैं ना आधे पार्ट में लगाऊंगी। कितना बड़ा है अभी आगे बताती हूं। तो मैंने इसको हाफ पार्ट में कट कर लिया है और पेस्टिंग जो है प्रेस से चिपक जाती है। एक साइड चिकनी होती है, दूसरे साइड थोड़ी रफ होती है। चिकनी साइड पे फैब्रिक को रख दीजिए और ऊपर से प्रेस से दबाइए गरम, बिल्कुल बढ़िया तरह से इसे थोड़ी देर रखिए और ये फैब्रिक में चिपक जाता है। बढ़िया चीज़ है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैंने जब इसको लगा लिया तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुकरम वगैरह था, पेस्टिंग थी, उसे कट कर लिया। अब आपको बताती हूँ ये कितना बड़ा है। ये है वो सोफ़ा जिसके लिए मैं इसको बना रही हूँ, कुछ इस तरह से इसको हैंग करने वाली हूँ। तो देखिए इसमें एक साइड तो हमें क्या करना है, अंदर दबाने के लिए हमें फैब्रिक रखना है थोड़ा ज़्यादा, जिसको कि मैं बिल्कुल लास्ट में लगाऊंगी एक्स्ट्रा। तो इसकी लंबाई आपको इतनी रखनी है कि वो यहाँ से दबाने वाले मतलब जगह से शुरू हो और दूसरे साइड नीचे आके इतना ये लटके। देखिए ये इतना लंबा मैंने लिया है और इसमें जो मैंने पेस्टिंग लगाई है वो बस जो लटकने वाला हिस्सा है ना उसमें लगाई है, यानी कि जो ऊपर से यहाँ से शुरू करके और नीचे तक लगाई है, इसलिए ये हाफ पार्ट में लगी है। और अब मैंने लिया एक ब्लैक कलर का पिलो कवर का पीस और इसको भी मैंने इतना ही चौड़ा कट कर लिया है। एक्चुअली मैं बनाने जा रही हूँ अब पॉकेट्स और इनका नाप भी जो है ना आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। इसमें भी वही काम करेंगे, हम लगाएंगे पेस्टिंग सेम मेथड से और इसमें थोड़ा सा फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसके पीछे की तरफ एक दूसरा पिलो कवर का पीस मैंने लगा के और सिलाई कर दी है। तो मेरा जो पॉकेट बनाने वाला जो एक पीस है ना वो रेडी हो गया है और इसी में मैं सारी पॉकेट्स लगाऊंगी, तो बहुत ही बढ़िया इससे फिनिशिंग आएगी। तो देखिए अब इसमें पॉकेट लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, जो प्रिंटेड वाला पीस था ना पिलो कवर का, उसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया है और अब इसके ऊपर रखकर हम पॉकेट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरह से रखा है और इसे मुझे ना थोड़ा ज़्यादा लंबा लेना है। उसका रीज़न ये है कि पॉकेट्स मुझे जो है ना कुछ इस तरह से बनानी है कि उसमें सामान ज़्यादा रखें। करीब 2-2 इंच मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया और इसको पिनअप कर लिया और जितनी पॉकेट्स बनानी थी ना उसमें उतनी ही मैंने इस तरीके से 2-2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए रख लिया है। मैं 4 पॉकेट्स बना रही हूँ तो देखिए इस तरह से मतलब मैंने रखा है। और हाँ, साइड्स में भी ज़रूर रखिएगा, तो 5 बार आपको 2-2 इंच का इस तरीके से फैब्रिक रखना है, बिल्कुल किनारे में और बीच में, और जहाँ पर ये मोड़ा है ना वहाँ पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है इस तरह से यहाँ पर मतलब। और हाँ, जब सिलाई करें तो पिन को निकाल लीजिएगा और सीधी सिलाई करिएगा।
तो ये खुल जाएगा, ये हिस्सा खुल जाएगा। बस हमें मार्किंग के पॉइंट से ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ पे सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा हमारी जो है बन गई हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर बन गई हैं पॉकेट्स। अब हम इनको दोनों तरफ से एक एक इंच मोड़ देंगे। तो देखिए हो गया ना 2 इंच हमारा रेडी, मतलब दोनों तरफ यूज़ हो गया। तो 1 इंच इधर से मोड़ा और 1 इंच दूसरे साइड से मोड़ा और हमारी एक ऐसी पॉकेट बन जाएगी जिसमें कि हम सामान रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आ गई ये पॉकेट्स। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें सिलाई करनी है। तो ये वाला स्टेप से अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो सीधी सिलाई लगा के भी आप पॉकेट्स बना सकते हैं। डबल फैब्रिक लिया है इसको मैंने। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ और साइड्स में क्या कर लेंगे, इसमें सिलाई लगा देंगे और इससे हमारी पॉकेट्स बन जाती हैं। और इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं और इन पॉकेट्स में ना सामान आ जाता है, बिल्कुल भी जो है ये झूलती नहीं है। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो गया पॉकेट वाला। और जो हमारा बेस वाला हमने कट किया था, इसके पीछे भी हम पिलो कवर के ही, एक ब्राउन कलर का पिलो कवर है उसके जो है मैंने फैब्रिक लगा दिया है ताकि पीछे से भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और ये तैयार हो गया हमारा बेस वाला पूरा फैब्रिक और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे ये अपनी पॉकेट्स। और ये जो हम पॉकेट्स लगाएंगे ये हम उस हिस्से में लगाएंगे जहां हमने पेस्टिंग लगाई है। और अब हम इसको सिल लेंगे। पिलो कवर के साइड में जो ये पट्टियां निकली थी इनसे मैं लगा लूंगी पाइपिंग 3 साइड्स में। और पाइपिंग लगाना मैंने आपको अपने वीडियोस में कई बार बताया है तो इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। और पाइपिंग लगाने से जो पूरा लुक आएगा ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। चीकू क्या कर रहे हो, चलो चलो अब सोएंगे। देखो सारा ऐसे फैला पड़ा है, देखो सब ऐसे हो रहा है। और अब नेक्स्ट डे थी अक्षय तृतीया जिसकी कि मैंने पूरी पूजा करी। इसका कोई शॉट बना के या इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल दूंगी कि मैंने इसको कैसे सेलिब्रेट किया। तो सुबह उठ के पूजा का काम करने के बाद फिर से मेरा वही काम स्टार्ट हो गया जो कि मैं अपना प्रोजेक्ट घर का बना रही थी। और अब मैंने बनाए कुछ टैसल्स और इनको मैंने नीचे लगा दिया है ऑर्गेनाइजर के। और इसी तरीके से कुछ बटन्स वगैरह होते हैं उनको मैंने ग्लूगन की मदद से चिपका दिया और हो गया एक बहुत ही बढ़िया मेरा सोफे के साइड का या समझ लीजिए बेड के साइड में लगाने वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा ना मैंने लास्ट में उसको और बढ़ा दिया, यहाँ पे लगा दिया जिससे कि सोफे में ये अंदर तक चला जाए। बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई, बहुत सुंदर लग रहा है। और अब यहाँ इस रूम में पड़े हुए रिमोट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा जा सकता है और इसको बेड के साइड में भी हम हैंग कर सकते हैं। हो गया ना, देखिए पिलो कवर से कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर रेडी। और ये है किचन की कुछ मतलब पुरानी टॉवल्स। तो ये जो है ना गंदी नहीं है लेकिन ये यूज़ होते होते ख़राब हो जाती हैं। और जब कभी भी किचन में मैं कुछ भी स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ तो कुछ पुरानी तौलिया की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इनका मैं बहुत ही बढ़िया नया लुक दे दूंगी। तो साइड से जितना भी मोटा पार्ट था इन टॉवल्स का वो कट करके निकाल दिया, जितना बड़ा साइज़ चाहिए उतना बड़ा कट कर लिया। ये है एक ऐसा डार्क कलर का कॉटन का फैब्रिक जिसको कि मैं काट लूँगी और इस मतलब जो हमारा ये पुरानी टॉवल्स है ना इनके ऊपर लगा दूंगी। और ये देखिए पिलो कवर के बचे हुए कपड़े भी मैंने ले लिए हैं और इनको ना मैं चारों तरफ से सिल लूंगी। हाँ थोड़ी सी जगह मैं छोड़ दूंगी ताकि इसको सीधा कर सकें। और इस तरीके से ना मैं हमेशा यूज करती हूँ बनाने के लिए। तो देखिए ये हो गया ना, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद ऊपर से भी साइड में ना एक एक सिलाई लगा देंगे। और अब तो ये लगेंगी ही नहीं कि ये वो पुराना ही आइटम है। तो इस तरह से देखिए ये कितना सुंदर हो गई है और इनको ना आप रफली यूज कर सकते हैं। yeah,
और मैं तो ऐसे बहुत सारी बनाती रहती हूँ। मैंने करीब 2 साल पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ये बनाई थी, और इसमें ना इस तरीके बटन्स आते हैं ना, टिच बटन्स आते हैं, वो मैंने लगा दिए थे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इन्हें जो है ना आपस में आप ऐड करके किसी भी टिशू होल्डर में मतलब लगा सकते हैं। ये मैं छोटे छोटे पीस इसलिए रखती हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इनको देखिए रोल कर लीजिए और फिर होल्डर में लगा दीजिए। तो ये ना एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप घर में पड़ी हुई किसी भी पुरानी तौलिया को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। किचन में जब आप नई टॉवल्स लेकर आते हैं तो उनसे जैसे ही हम उन्हें यूज़ करते हैं वो फिर से गंदी होने लगती हैं, तो बजाय इसके क्यों ना हम इनको यूज़ करें। और आज इसकी कंडीशन देखिए कैसी हो रही है, ये बिल्कुल साइड से ख़राब हो रही है, लेकिन अभी भी ये यूज़ होती है। जबकि किचन के भी मेकओवर्स हो गए और घर में कितना काम हो गया, लेकिन ये मेरे हाथ से ना अभी तक नहीं गई हैं। और अब मैं बना रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ जिसको कि आप ज़रूर बनाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। और इसके लिए मैंने 2 सर्किल कट किए हैं। एक सर्किल का जो डायमीटर है वो 17 सेंटीमीटर है और दूसरे का 15 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने कैसे कट किए, पहले मैंने जो है करीब 8.5 सेंटीमीटर नापा है, एक सर्किल इस तरीके से बना लिया, तो हो गया मेरा 17 सेंटीमीटर वाला सर्किल रेडी। और बिल्कुल इसी तरीके से 15 सेंटीमीटर वाला सर्किल बनाने के लिए मैंने 7.5 सेंटीमीटर लिया और उससे एक सर्कल बना लिया है। ये दोनों मैंने मतलब इसलिए बनाए ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट बने वो बहुत बढ़िया और क्लीन बने। 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं कॉटन के, और इन दोनों को हम 17 सेंटीमीटर वाले सर्कल से नाप करके कट करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों फैब्रिक के साथ साथ सर्किल काटेंगे नाप कर 17 सेंटीमीटर के। तो ये मैंने इसीलिए सर्किल बनाया कि बिल्कुल अच्छी तरीके से कटिंग हो जाए। तो ये दोनों फैब्रिक के देखिए कट गए हैं, और फिर से मैं आपको बता रही हूँ 7 हैं लाइट कलर के और 7 हैं येलो डार्क कलर के। 2 कलर का ही यूज़ करिएगा, अच्छा बनेगा। अब मैंने क्या किया, 15 सेंटीमीटर वाला अपना सर्किल लिया जिसका डायमीटर था 15 सेंटीमीटर, और उसको इस तरीके से रख लिया मैंने येलो डार्क वाले सर्किल पे। तो ये जो लाइन आई है ना, इससे एक नाप हमारा तैयार रहता है, मतलब कहीं पे भी हमारी स्टिचिंग गड़बड़ नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल फैब्रिक लिया, उसके ऊपर जो हमने ये सर्किल ड्रॉ किए ना डार्क पीले वाले में, इसको सिल लेंगे, बस बीच में हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये केवल डार्क कलर वाले पे किया है मैंने, दूसरे पे नहीं किया। एक्स्ट्रा कट करेंगे और जो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था ना उससे जो है हम इसको खोल लेंगे, इसके ऊपर करेंगे प्रेस, फिनिशिंग इससे बहुत अच्छी आएगी। ये जो खुला हुआ है इसको भी बंद करेंगे और ऊपर से चारों तरफ जो है इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे, तो ये और भी इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। और ऐसा हम इन सारों के साथ कर लेंगे जो अब हमें क्या करना है, ये लेना है और इसके एक पार्ट पे बस मुझे इस तरह से मोड़ना है। देखिए ऐसे लिया, इसको मोड़ेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से हम दबा देंगे और इसमें अंदर की तरफ यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, इधर भी मार्किंग कर ली और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी हाफ की मार्किंग कर ली। अब हमें स्केल पे 6 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, कॉर्नर पे यहाँ पे रखेंगे स्केल इस तरीके से, और जहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का पॉइंट आएगा वहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। मैंने इस तरह से रखा था स्केल को और ये आया था 6 सेंटीमीटर का पॉइंट, यहाँ पे देखिए इस तरह से आया, यहाँ कोने पे रखा है, यहाँ रखा इस कोने पे स्केल को इस तरह से, और यहाँ पे जहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का मार्क था मार्क किया, और अब उस मार्क को नीचे से मिला देंगे यहाँ कॉर्नर पे से, इस तरह से आ गई लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से कॉर्नर तक, देखिए कॉर्नर तक ये मैंने लाइन खींच ली। अब एक पीस लेंगे और इसको इस तरीके से हम खोल देंगे, और एक दूसरा पीस लेंगे और जो इसके ये पॉइंट्स हमने बनाए हैं इसके ऊपर इसको रखेंगे कुछ इस तरह से। ये वाला देखिए डार्क रखा है और ये मैंने फ्लावर वाला रखा है, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे जो थे ना हाफ वाले,
और अब इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे जो हमने लाइन खींची हुई है ना। अब यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है, पिन हटाई मैंने। अब देखिए ये सिलाई लगी हुई है ना यहाँ पे। अब इसको नीचे से निकाल लेंगे बाहर, इस तरह से देखिए बाहर निकाला। अब यहाँ से एक दूसरा पीस उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा एक जैसा प्रिंट ऊपर रहेगा, हमारा सारा प्रिंट वाला जो है प्रिंट ऊपर चल रहा है, प्लेन वाला नीचे चल रहा है। तो प्लेन वाले को ही देखिए, प्लेन के ऊपर प्लेन रखेंगे, नीचे रखा, फिर इसका हाफ से हाफ मिलाएंगे। यहाँ पे नीचे से हाफ मिलाया और इस हाफ से इसका हाफ मिला देंगे, इस तरह से हाफ से हाफ मिलाया, ये ऊपर आ जाएगा देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम करेंगे, अब ये पहले यहाँ हम पिन लगा देते हैं इस हाफ से और जो इसका हाफ है, और अब फिर से हम ये वाली जो लाइन है ना इस पे फिर से सिलाई कर देंगे। और ये हमने लास्ट पीस भी इसमें जोड़ दिया। अब देखो लास्ट का समझ लो, ये हमारा लास्ट है, ये उठाया हमने, और ये हमारा फर्स्ट वाला पीस था, और इन दोनों में ही जो हाफ का मार्क है ना देखो नीचे, उसको ऐसे मिलाएंगे पे, इस तरह से जुड़ गया। अब देखिए आएंगे सामने और ये टेढ़ी लाइन पे हम सिलाई कर देंगे। अब ये सारी पत्तियां अलग अलग हैं, देखिए इस तरह से है ना, ये अलग अलग हैं पत्तियां। अब इसका एक पीस उठाएंगे और इसके एक पीस से मिला देंगे यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये मिलाएंगे और इसे इस तरफ मोड़ देंगे, मिला के इस तरह से ये आ गया। इस तरह से इसका ये पीस उठाएंगे और इसका ये पीस उठाएंगे और इसको इस तरफ मोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, केवल किनारे इतनी पे सिलाई मारेंगे है ना, इस तरह से इस साइड पे जहां पे इसे दबाना है ना, बस वहां पे मैं सिलाई मार के पूरा यहां से यहां तक लेकर आती हूं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके कितने सारी चीजें हम बना सकते हैं। एक तो इसी को हम बड़ा साइज में बना सकते हैं, ये तो एक छोटा साइज है। अगर आप इतने बड़े साइज में बनाते हैं तो किसी भी कुशन कवर के ऊपर आप पैच लगा के एक बहुत ही ज्यादा सुंदर एक हाइलाइटर कुशन बना सकते हैं। मतलब ये इतना सुंदर लगने वाला है, प्लेन कुशन कवर बना के आप उसके ऊपर इसका पैच लगाइए, बहुत सारी जगह टेबल का रनर बना लीजिए, टेबल क्लॉथ बना लीजिए, और ये ना बिल्कुल अलग सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही सुंदर एक पैच बनाया हुआ है। वीडियो जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों इसी तरीके से फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।